हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसका हम पार्ट 3 आ चुका है। इसमें हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके कुछ टाइप्स और ऐसे कुछ प्रोसेस हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो है इंसिस्टेशन, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिल जाती है। इसको एक सिंपली वे में देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इसकी असेंशियलिटी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनाता है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो से टाइप होते हैं, किसके? रिप्रोडक्शन के। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको जब भी पूछ जाता है इसमें, तो सबसे पहले तो क्या आपके दिमाग में आता है? ओनली वन पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। कौन सी? रिप्रोडक्शन। उसमें सिर्फ एक पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है और देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वहां पर फॉर्मेशन नहीं होता है गैमेट्स का। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात आप उसको ध्यान रखेंगे, पहली बात यह है कि इसमें एक टर्म आता है क्लोन्स। ये क्लोन्स ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रोड्यूस की गई है। देखिए, ये क्या होती है? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, या आप इसको कह सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ये क्या है? एक्लोन्स क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी? किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। आप सबको पता होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कहां पर देखा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करता है और जो स्पीसीज फॉर्म करता है आफ्टर डिवाइडेशन, उसे कहते हैं क्लोन्स। और क्लोन्स इसे क्यों कहते हैं? कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जीन्स जो उसके पेरेंट्स में थे वही ट्रांसफर होकर उसके बेबीज में आ गए, क्लोन्स उसे कहते हैं। समझ में आ गया कि क्लोन्स कैसे कहते हैं? अब देखिए, अब हम बात करनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फॉर्मेशन नहीं है वो गैमेट्स का और वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? क्लोन्स होगी। ये थ्री टर्म्स क्लियर है आपको? तो चलिए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस इतना ही था। अब हमें बात करनी है यहां पर एक प्रोसेस है, वो है हमारी बनारी विभाजन। ये प्रोसेस नहीं है, मतलब बनारी विभाजन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसका सबसे पहला टाइप है बनारी विभाजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है, जैसे भी लिखते हैं अपन, बनारी विभाजन। सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन इज स्पोरुलेशन। बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसिस्टेशन प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मान लेते हैं, बट वो एक प्रोसेस है, वो कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो बता रहा हूँ वही है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। आपको क्या करना है? इन फोर टर्म्स को बारी बारी पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के चार हो, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है और वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स है। वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स आपको कुछ टर्म रिलेट सा होगा क्लास 10 से। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स का नाम बिल्कुल बदल दिया है, मतलब ये पहले आप पढ़ते थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स। बताएंगे कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स इसकी अगली वीडियो में। अभी हमें बात करनी है यहाँ पर बाइनरी फिजन की और स्पोलेशन प्रोसेस की। इन दो की हम बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स की, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन की। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं।
बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हुए चलते हैं। वैसे इसके एग्जांपल बहुत हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब एग्जांपल हमारे बाइनरी फ्यूजन की, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब यहाँ बात करनी है हमें बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इसको एक अमीबा को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये अमीबा है, इसकी कोई शेप नहीं होती, आप कैसे बना सकते हो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही बने। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म भी कंटेंट हो गया, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये हमारा पूरा अमीबा है और ये साइटोप्लाज्म से है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हो वो क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। इसी का डिवाइड होता है, ठीक है, अमीबा में इसका डिवाइड होगा। देखना यहाँ पर ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवीजन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, कि ये एक अलग न्यूक्लियस सेपरेट होके ये एक अलग अमीबा बन गया और ये अलग अमीबा बन गया, और जो ये डिवाइडेशन हुआ वो एक इसमें कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन है कि ये सिर्फ सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही डिवाइड करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड नहीं करता जब तक कि इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है। तो जब तक इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक क्या करेगा ये भाई, अनफेवरेबल कंडीशन जब आएंगी उससे कुछ तो बचना पड़ेगा इसको अमीबा को, तो उसके लिए क्या करता है अमीबा कि अपने चारों तरफ एक बॉल बना लेता है, उसे कहते हैं सिस्ट। मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, मान लो ये हमारा अमीबा है, अब एक अमीबा क्या करेगा अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसे एक हार्ड कवरिंग होती है, ये क्या है एक हार्ड कवरिंग है जो कि इसको आसानी से डिवाइड नहीं होने देगी, कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी वापस आ जाएगी तब क्या करेगा ये सिस्ट फॉर्मेशन, सॉरी सिस्ट क्या होंगी ब्रोकन हो जाएंगी, मतलब टूट जाएंगी और ये डिवाइड हो जाएगा अमीबा हमारा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करें हम इंसिस्टेशन प्रोसेस की, इंसिस्टेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है, जब अमीबा अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में आता है जो सिस्ट फॉर्मेशन करने लगता है, यहां से हमारी इंसिस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब देखेंगे इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन प्रोसेस वो होती है कि अमीबा अपने चारों तरफ क्या कर लेता है एक हार्ड कवरिंग लाता है, हार्ड कवरिंग जब आती है उसे बोलते हैं सिस्ट, सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। इंसिस्टेशन प्रोसेस में क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है अमीबा के चारों तरफ, जब अमीबा के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि अमीबा डिवाइड नहीं कर पाएगा, और जब अमीबा डिवाइड नहीं कर पाएगा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। और जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी तो क्या होगा, ये जो अमीबा है, ठीक है, ये क्या करेगा मल्टीपल फ्यूजन शो करेगा, क्या होगा हम यहां पे इसने मल्टीपल फ्यूजन शो करेगा,
इसके चारों तरफ क्या है, सिस्ट का फॉर्मेशन है, सिस्ट का फॉर्मेशन है तो इससे डिवाइड नहीं कर पा रहा है, डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये डेवलप नहीं पाएगा। अब जैसे ही सिस्ट का सिस्ट ब्रोकन होगी तो क्या होगा, ये यहां से रिलीज होना स्टार्ट करेंगे, माइन्यूट जो माइन्यूट अमीबा है, माइन्यूट अमीबा समझते हो, बहुत छोटे छोटे अमीबा जो इसके अंदर हैं, अब माइन्यूट अमीबा क्या होंगे, रिलीज होंगे थ्रू मल्टीपल फिजन। अब इसमें क्या हुआ था हमारा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन शो किया और क्या हुआ, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये सिस्ट का फॉर्मेशन जो हुआ था वो ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन होते ही क्या होंगे अमीबा जैसे माइन्यूट माइन्यूट स्पोर्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उन्हें इन्हीं स्पोर्ट्स को हम एक और नाम देते हैं, वो है स्यूडो पोडियो स्पोर, इन्हें एक और नाम दिया जाता है स्यूडो पोडियो स्पोर। इन जो माइन्यूट अमीबा थे जो कि फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन करके अंदर ही बैठ गए थे, वो क्या होंगे माइन्यूट अमीबा आफ्टर फेवरेबल कंडीशन क्या होंगे, डिवाइड होना स्टार्ट करके सीधे सिस्ट को ब्रोकन करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस थी इंसिस्टेशन, इंसिस्टेड अमीबा था, इंसिस्टेड अमीबा यहां से हट जाएगा जब भी उसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगे, तो ये हमारी थी इंसिस्टेशन प्रोसेस। और जब ये हमारे माइनट माइनट स्पोर्ट्स जो अमीबा के थे, स्यूडोस्पोडियो स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, वो रिलीज हो गए कहां पर, अपनी फेवरेबल कंडीशन में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। तो यहां तक आपको क्लियर है, हमने यहां तक क्या पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में डिवाइडेशन अमीबा का पढ़ा था, पैरामीशन का एग्जांपल देखा था उसमें, और एक प्रोसेस देखी थी इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन के साथ साथ हमने एक स्पोरुलेशन प्रोसेस देख ली, जो स्पोरुलेशन प्रोसेस क्या होती है, अमीबा जो होते हैं छोटे छोटे वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशन, उन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स। तो ये प्रोसेस थी हमारी स्पोरुलेशन, यहाँ तक सभी टर्म्स क्लियर हैं। तो हम अगली वीडियो बात करते हैं आपसे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और ये हमारा पेरिफेरल प्रोपोगुल्स क्या होते हैं, सकर्स, राइजोम, रनर, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उस कंप्लीट वीडियो के बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 3 पेजेस हैं, आप उनकी बात करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू।